सो स्टूडेंट की नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करने है, लेकिन सर्कल की जो मेजरमेंट्स हैं उनका डिफरेंस है इसके अंदर। तो पहले जो हमने ड्रा किया है उसमें सेम रेडियस से दोनों सर्कल का, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ड्रा टू सर्कल्स विद रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर का जो सा डिफरेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ देयर सेंटर्स आर 6.5 सेंटीमीटर अपार्ट देन ड्रा टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसके पर हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि 6.5 सेंटीमीटर की होगी, उस पर दो सर्कल ड्रा करेंगे। पहले तो ये लाइन आ गई 6.5 सेंटीमीटर की, ये पॉइंट ओ और इधर से ओ डैश, और इन दो पॉइंट पे हम सर्कल ड्रा करेंगे, एक 2.5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर खोलेंगे ये कंपास को, और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया। उसके बाद जो सेकंड सर्कल था वो 2.5 सेंटीमीटर का। तो ये 2.5 सेंटीमीटर रेडियस, इसको हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, उस मिड पॉइंट से एक सर्कल ड्रा करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे इस लाइन सेगमेंट के। इसको आप सेल ओपन करें, ये मिड पॉइंट आ गया, इससे हम ड्रा करेंगे इस पॉइंट से, पॉइंट एम कह देते हैं इसको, से ओ और ओ डैश तक रेडियस इसको ओपन करके हमें एक सर्कल ड्रा करना है। ये हो गया मिड पॉइंट, यहाँ से लेके आपने पॉइंट ओ तक ओपन करना है इसको, और चेक कर लें कि क्या ये ओ डैश तक भी है, तो जैसे ओ डैश तक भी। यहाँ से हमें एक सर्कल ड्रा करना है,
अभी सर्किट ड्रा हो जाए तो आपने अभी दोनों सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस लेना है। एक सर्कल था 3 सेंटीमीटर और दूसरा था 2.5 सेंटीमीटर का, इसको हम अब माइनस करें तो 0.5 सेंटीमीटर बनता। तो 0.5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने ड्रा करना है। यहाँ से ये 0.5, इसकी मेजरमेंट आगे 0.5, सब 0.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करने के लिए। जो हमने 0.5 का ड्रा किया इसने कट करना है जो सा कि मिड पॉइंट वाला सर्कल है, लेकिन यहाँ पे हमारी लाइन मैच नहीं की इसलिए हम लाइन अगेन लगा सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करें फिर से पॉइंट ओ तक, ये अगेन हम इसको मैच कर सकते हैं इसके साथ। अपने इसको ज्वाइन करना है जिस पॉइंट पे ये मीट किए, इसे ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर देना अपने पॉइंट ए कर लें और ये पॉइंट पी कर लें। इसी तरह जो लाइन लगानी है नीचे भी सेम ऐसी आएगी एक लाइन, सर ये पॉइंट ए डैश कह लें और ये पॉइंट पी डैश। अब इसको क्यू कह सकते हैं, क्यू कह लें क्योंकि पी इस पर पी डैश लगा लेंगे। यहाँ से हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, उसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अपने पैरल लाइन ड्रा करनी है इसके पैरल, उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने इसके पैरल लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे रखना है, जो लाइन पैरल है जिसके पैरल ड्रा करनी है उस लाइन के पैरल आपने यहाँ पे रखना है और इसको आपने एक साइड स्क्वायर को फिक्स कर देना है और दूसरे को मूव करके जिस पॉइंट तक ले जाना है वहाँ तक ले जाएँ आप, ये पॉइंट ओ तक। अब इसको आप पीछे कर सकते हैं और यहाँ से ओ से आप ड्रा कर सकते हैं लाइन। ये लाइन पैरेलल आ गई ओ पी के, तो इसको कहेंगे ओ डैश पी डैश। इस तरह अगर आपने क्यू के पैरेलल ड्रा करनी है तो पहले आपको इसको क्यू पर रखना पड़ेगा, इसके पहले रख के इसको आप रखेंगे ऐसे और बाद में इसको ये इसके पहले ड्रा करनी है तो इसको पहले देखेंगे कि ठीक पहले लाइन एग्जैक्ट आ रही है, उसके बाद आप इसको मूव कर दें इस तरह, ये ओ के पहले आ जाएगी यहाँ पे। ये पॉइंट ओ से आपने ए तक इसका टेंजेंट ड्रा कर, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास क्यू डैश और इन पॉइंट्स को मैच करना है तो आपके टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को मैच करेंगे हम आपस में, तो ये एक टेंजेंट आ गया हमारा पी पी डैश और जैसे क्यू पर एक कोई आपस में मैच करेंगे तो इधर से आ जाएगा।
एक क्यू और क्यू डैश आ गया मेरा दूसरा टेंजेंट। अभी जो हमने यहाँ जो जो डायग्राम किया है कंस्ट्रक्ट, इसके हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट के स्टेप्स। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी ओ एंड ओ डैश, तो जरा भी लिखें ड्रा ओ एंड ओ डैश ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। उसका फिर इन पर सर्कल ड्रा किए थे हमने, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 2.5 सेंटीमीटर का। तो ड्रा सर्कल्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग सेंटर्स ओ एंड O dash respectively. So, हमने यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड किया था और यहाँ से एक सर्कल ड्रा किया था जो कि स्लैंट के एंड में से पास कर रहा है। Find M the midpoint of O and O dash take M as center draw a circle C and point ए एंड ए डैश। सो हमने ओ को ज्वाइन किया था ए के साथ, इसको प्रोड्यूस किया था आगे पी तक, फिर ए डैश के साथ ज्वाइन करके आगे इसको क्यू डैश तक जो है एक्सटेंड किया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज्वाइन ओ विद ए ए डैश एंड प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स ओ ए एंड ओ ए डैश प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स। उसने इंटरसेक्ट किया था थल आधे सर्कल को पी और क्यू के ऊपर, फिर इसके पहले लाइन ड्रा किए थे हमने। इंटरसेक्ट था लार्जर सर्कल्स एट पी एंड क्यू, उसमें हमने पैरेलल लाइन ड्रा की थी जो कि ओ पी के पैरेलल ओ डैश क्यू डैश सॉरी ओ डैश पी डैश और ओ क्यू के पैरेलल ओ डैश क्यू डैश। या ओ डैश पी डैश पैरेलल टू ओ पी एंड ओ डैश क्यू डैश पैरेलल टू ओ क्यू। उसमें हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारे बस ये रिक्वायर्ड डॉट कॉमन टेंजेंट आ गया।
पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर सिक्स, join p with p dash and q with q dash. तो सब प्रेजेंट आ गया. p and p dash and q and q dash are required common tangent. और ये स्टेप नहीं आपने बोला इसके अंदर कही है, मतलब 0.5 इन दोनों का डिफरेंस लेके हमने ये सर्कल ड्रा करना है. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं आप. ड्रा अ सर्कल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट ओ. अब आप इसको ऐड कर लें, क्योंकि ये वाला सर्कल जो है इसी का मेन रोल है कि यहाँ से हमने पॉइंट ड्रा करना है. जिससे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. कह रहा है कि ड्रा टू सर्कल विद द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, द सेंटर आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, देन ड्रा द टू ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स के बारे में इससे पहले ही बात हुई कि जो मतलब ये दो सर्कल हैं जो इस तरह मतलब इनको क्रॉस में कट करते हैं वो इनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है टू सर्कल्स हैं 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर अपार्ट के सेंटर का ड्रा करने हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो इसके लिए पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की. ये लाइन आ गई है बस ए बी 6 सेंटीमीटर. इसके बाद हम दो सर्कल ड्रा करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का और एक 2 सेंटीमीटर का. हम एक ड्रा कर लेंगे 3.5 सेंटीमीटर
पॉइंट पी पर, पॉइंट बी पे ट्रैक करेंगे 2 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें जब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ड्रा करना है तो इसके लिए हमने इनको ऐड करना है, दोनों की जो लेंथ है सेंटर की। इसमें हमने पहले जो डायरेक्ट कंपोनेंट ड्रा किया उसके अंदर ऐड किया था, इसमें हम करेंगे, इसमें हमने सेपरेट किया, इसमें हम ऐड करेंगे। एक था 3.5 सेंटीमीटर, बस इसे 2 सेंटीमीटर, तो मिला के हो गया 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है हमने पॉइंट ए पर। जो हमने इससे पहले किया था ट्रेट कमेंट डिजाइन में, उसमें हमने पॉइंट ए पर इनको सब्ट्रैक्ट करके किया था, ऐड करके करना है। तो ये सर्कल 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद फिर जिस तरह हमने मिड पॉइंट लिखा था, तो जहाँ पे ये मिड पॉइंट को टच करेगा वो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उसको आगे प्रोड्यूस करके। तो मिड पॉइंट्स के लिए आर्स ले आएंगे इसके, तो ये मिड पॉइंट आ गया एम। यहाँ से यार रख के आप एक एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल ने इसको पॉइंट सी और डी पे टच किया, इस बड़े वाले सर्कल को सी और डी पे जो 5.5 सेंटीमीटर। ये सी और डी तक फिर हम पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके पैरेलल फिर आगे लाइन ड्रा करनी है हमने। पॉइंट सी आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट डी। पॉइंट सी और डी आगे इनसे पैरेलल हम आगे लाइन ड्रा करेंगे, पॉइंट ई एंड एफ करें। इसलिए इस पॉइंट पर आज के पॉइंट ई हो गया, पॉइंट हो गया। तो इसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा करना है, लेकिन पॉइंट अब जो सर्कल बी है इसके साथ भी देखना है कि ये कहाँ पे जाके इसको मतलब क्रॉस करता है।
फिर से हम सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे पैरेलल लाइन लगाने के लिए। इसकी पैरेलल लाइन जो लगनी है वो पॉइंट बी पे लगनी है, इसलिए इसके पैरेलल जाना है आपने, तो इसको आप ऐसे रखें। इस पॉइंट से लगने आप ऐसे, ऐसे रख के फिर आपने मूव करना है जिस पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ये इधर पैरेलल, ये पॉइंट ए से ही पैरेलल आना है, यहाँ से बी से लेके हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से पॉइंट बी से। इस तरह इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है आपने यहाँ पे, इसलिए आप इसको ऐसे रह सकते हैं। अब फिर अपने अपवर्ड मूव करना है, ये पॉइंट बी आ गया। तो ये पॉइंट पी आ जाएगा और ये पॉइंट क्यू। अब ये पॉइंट वो पॉइंट है जिनसे हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो ये दो पॉइंट मिल गए, अब इन दोनों पॉइंट को मैच करना है आपस में। आपने एफ को इस पॉइंट पे, ये मतलब यहाँ से जो सी मतलब ए डी लाइन क्रॉस कर रही है पॉइंट एफ के ऊपर, और जो सी बी ई लाइन है वो पॉइंट पी के ऊपर, यहाँ से आपने रख के इधर से लाइन लगानी जो कि इसका एक टेंजेंट होगा यहाँ तक। इसका सेकंड पॉइंट जो था पॉइंट ई था और पॉइंट क्यू, ई से क्यू तक अपनी लाइन लगानी है इसकी। तो ये दो हमारे मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रा हो चुके हैं। अब इसके हम कुछ अगले स्टेप देखेंगे। देखते हैं कि ये वाला जो टेंजेंट है ये इस पर क्रॉस कर रहा है इन दो पॉइंट्स को, और ये इन दो पॉइंट्स पे आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें हमने दो सर्कल ड्रा किए थे, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 3.5 का और एक 2 सेंटीमीटर का। हम लिखेंगे ड्रा टू सर्कल्स, हाफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। विद देयर सेंटर्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली।
उसके बाद फिर हमने इनको ऐड करके ये एक 5.5 सेंटीमीटर का जो सब बिग सर्कल ड्रा किया था इसके बारे में लिखेंगे हम। तो टेकिंग ए एज सेंटर या अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 + 2 = 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फिर यहाँ से बाइसेक्ट किया था इस लाइन ए बी को और पॉइंट एम लिया था। बाइसेक्ट ए बी एट एम, उसके बाद एक सर्कल हमने ड्रा किया था इसके, एंड ड्रा अ सर्कल बाय टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस ए बी। उसके बाद फिर इस सर्कल ने यहाँ पे मतलब भी सर्कल को मतलब कट किया, वो पॉइंट ए से सी तक वहाँ पे लगाने आई थी और ए से बी तक भी। Join A with C and D to produce AD and AC which meets the inner circle and meet the point F for E or F paper. उसके बाद इसकी पैरेलल लाइन हमने लगाई थी, ड्रा बी क्यू पैरेलल टू ए ई एंड बी पी पैरेलल टू ए एफ। फिर हमने ड्रा किया थे टेंजेंट, मतलब पॉइंट ई को हमने जो है क्यू के साथ किया था कंबाइन और एफ को पी के साथ। Draw two tangents from point F to P and E to Q. Draw two tangents from point F to P and E to Q. एफ पी एंड ई क्यू आर द रिक्वायर्ड कंबाइंड टेंजेंट। रिक्वायर्ड ट्रांसफर्स कंबाइंड टेंजेंट पता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 9 सॉरी, इसमें कह रहा है कि ड्रा टू कॉमन टेंजेंट टू
टू द टू टचिंग सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. Contingents of two touching circles of radii 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. ये सर हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था. ये उस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे उनका डिस्टेंस दिया गया. तो डिस्टेंस हम खुद निकाल लेते हैं इनके सेंटर्स का, वो इनके सम का इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो इसका तरीकेकार वैसे ही है इस तरह के हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 किया था. तो पहले हम लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की. ए बी जिनेडा के 6 सेंटीमीटर के हमारे पास. उसके बाद दो सर्कल ड्रा करने हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर का और एक 3.5 सेंटीमीटर का. ये 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया एक. इसके बाद 3.5 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे. चेक कर लेंगे 2.5 का. यहाँ से हमने इसके दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं दोनों सर्कल्स के. उसके लिए फिर से वही तरीकाकार है कि आपने इसका पहले मिड पॉइंट लेना. मिड पॉइंट के लिए उसके आपसे ओपन करेंगे.
ये जो दो आर्स आएंगे मेरे पास इनको पहले हम अब इसमें कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। जो ये मिड पॉइंट आया वहाँ से लेके हमने ए तक ओपन करना है इसको। ए तक ओपन करके बी तक भी चेक करके इसको फिर एक सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों का देखना डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया गया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करने है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसलिए आप अपनी चॉइस को यूज़ करके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जो सर ट्रांसवर्स टेंजेंट है उसके स्टेप जो है थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप यही ड्रा करें जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, ये 3.5 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर और एक होगा 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर का सर्कल जो है पॉइंट ए पर ड्रा करना है हमने। कैसे लेंथ आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया। अब इसने जो मिड पॉइंट वाला सर्कल है उसको जहाँ पे टच किया उसको हमें आगे एक्सटेंड करना है। पॉइंट आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से अब इसके पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है। फिर हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे ये पैरेलल लाइन जो पॉइंट ए से ड्रा किया इसको पॉइंट बी से भी ड्रा करना। फिर आके आपने इसको आगे मूव करना है, बीच में ये मूव नहीं करना चाहिए, इसे दोबारा कर लेते हैं जैसे ये पॉइंट बी तक आ गई, वहाँ से हम ड्रा कर लेंगे इसको। ये पॉइंट बी से ड्रा, अब इस तरह की लाइन जो है ना यहाँ पे नीचे ड्रा करनी है हमने एक। ए से जो पैरेलल है फिर उसको बी से भी पैरेलल हमने लेके जाना है आगे। पॉइंट पी आ गया ई क्यू और इस पॉइंट को कहते हैं सी डी, ये हो गया और ये पॉइंट एफ। आपने इनको आपस पे कंबाइन कर देना है।
तो इस क्वेश्चन के जो सेकंड स्टेप है वो भी सेम है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, आप वो ट्राई कीजिएगा। 100% वही उसी तरह का सर्कल है सर, मेजरमेंट का कब फ़र्क आ गया। आगे इसके जो सर क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी 100% वैसे ही है। इसमें भी आपने दो रेडियस आपको दिए गए हैं, एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी आपने ट्रांसवर्स यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये आप उधर आपने ट्राई करना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ड्रा द सर्कल विद विच टचेज द बोथ आर्म ऑफ एंगल्स एंगल देंगे हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री इनको टच करता हुआ सर्कल जो है हमने मतलब बनाना है। पहले हम लेंगे 45 बनेगा, पहले एक लाइन लगाएंगे, कोई मेजरमेंट्स नहीं देंगे इसलिए अपनी मर्जी की कोई भी लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद इस पर हमने बनाना 45 का एंगल। तो 45 का एंगल बनाने के लिए आप वो 60 या 30 के भी बना सकते हैं, या 60 और 90 के, सॉरी मतलब या 0 और 90 के। तो 90 का ड्रा करने के फिर हमें चाहिए 60 का, फिर 120, यहाँ से जो एंगल आएगा ये होगा 90 का। ये एंगल आ गया 90 का। अब 0 और 90 पे रख के और कहेंगे 0 है इधर रखेंगे, इसे 90 पे रख के इस पर रख के अपने आर्क लगानी है। आर्क के ऊपर लाइन लगाएंगे जो कि एंगल होगा 45 का। यहाँ पे हमें सर्कल ड्रा करना है इसलिए इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। आप एक 0 पर रख के और एक 45 पर रख कर लगाएंगे। ये पॉइंट आएगा हमारे पास, ये एंगल था 45 का, इसको हमने बाइसेक्ट किया, ये ओवरऑल एंगल 45 डिग्री का था। और ये पॉइंट आप कह सकते हैं इसको हम ए लेने, इसको बी और इसको सी ले सकते हैं, पॉइंट पी कह रहे थे। यहाँ से हमने ड्रॉप करना है एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक। यहाँ पे हमें एक आर्क लगा के जैसे एक पे पॉइंट को ड्रॉप कर लेंगे, आर्क आ गए
और यार ने जिस पॉइंट पे लाइन को कट किया वहाँ से हमने उसको बाईसेक्ट करना है, तो उसको कंबाइन करेंगे तो वो होगा परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ओ जिसने ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसको हम एम ले सकते हैं। यहाँ से हमने इसका रेडियस लेना है ओ एम और सर्कल ड्रा करना है। ओ एम जितना रेडियस लेंगे हम और उसके बाद सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल इसके साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। इसके हम कुछ स्टेप देख लेते हैं। ड्रा एन एंगल, हमने एंगल ड्रा किया था 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री उस पर हमने बाईसेक्ट किया था इस एंगल में, उसके बाईसेक्टर एंगल का जो ड्रा की ड्रा करके ड्रा बीपी बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। फिर हमने इस पर एक पॉइंट लिया पी, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन बी पी, यहाँ से ड्रॉप किया था एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ओ एम परपेंडिकुलर टू बी ए। उसके बाद फिर ओ को सेंटर लेके हमने यहाँ से सर्कल ड्रा कर लिया, टेक ओ ए सेंटर ड्रा अ सर्कल विद रेडियस वन। आगे 60 डिग्री का ड्रा करना है, उसमें सिर्फ शुरू के स्टेप का डिफरेंस है और आगे से सारा मतलब वैसे ही है। तो 60 डिग्री का ड्रा करने के लिए भी एक लाइन लगाएंगे पहले। ए, उसके बाद फिर एंगल 60 का ड्रा करना है। उसके सिंगल आर्क सिर्फ इसके बाद एंगल को बाईसेक्ट करना है, इसको पॉइंट सी कहने को बाईसेक्ट कर लिया पॉइंट पी तक। यहाँ से कोई पॉइंट ओ लेके उससे हमने फिर पैनी को ड्रा करना है। कहाँ पर लेते हैं वो आर्क लाई
उसको बाइसेक्ट करना है। पॉइंट ओ लिया था एन, उसके अलावा यहाँ से रेडियस एम लेना है ओ एम तक, जो कि सर्कल को टच करेगा इंटर में। ओ एम तक हमने कंपास को ले और उसके बाद यहाँ से बनाना है सर्कल। वह लिखेंगे इसके रखे स्टेप्स, यूनिट ड्रा एन एंगल ए बी सी ऑफ 60 डिग्री, ड्रा बी बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, उसको हमने पॉइंट दिया था ओ इसके ऊपर, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन एम बी पी, फिर ड्रॉप करना है एक पेंडिकुलर, ड्रॉप ओ एम पेंडिकुलर टू बी ए। उसके बाद फिर हमने वो सेंटर लेके सर्कल ड्रा कर लिया था, टेक ओ ए सेंटर एंड ड्रा अ सर्कल विद रेडियस ओ एम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल हो गया कम्प्लीट, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। इसको अब एक बार हमने वो ट्राई करना है, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो नहीं किया, उसका तरीका सेम मतलब 9 और 7 जैसा है, तो वो आपने वो ट्राई करना है। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।